दोस्तों, स्टाम्प पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी काम में यूजफुल तो होता ही और आपको लगता ही है। स्टाम्प पेपर जैसे कि एग्रीमेंट बनाने में, एफिडेविट बनाने में, रजिस्ट्री में या और भी कई जगहों पर स्टाम्प पेपर यूजफुल होता है। सो स्टाम्प पेपर के लिए आपको अपने कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, वहां से आप स्टाम्प वेंडर से अपना स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं। लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टाम्प पेपर की जरूरत है, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, तो आप अपना स्टाम्प पेपर ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए निकाल सकते हैं। और ये आप अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं से भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको स्टाम्प पेपर कैसे अपने घर बैठे हुए निकालेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ऑनलाइन स्टाम्प निकालने के लिए ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फैसिलिटी इज़ प्रेजेंट टू अवेलेबल फॉर ई स्टाम्प सर्टिफिकेट टू जनरेटेड फॉर द NCT, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, लद्दाख, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, अब ये जितने भी स्टेट दिए गए हैं, तो सब में यहाँ पर ऑनलाइन स्टाम्प निकालने की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ लिस्ट से भी स्टेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर स्टेट देख सकते हैं कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, रजिस्टर नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी एक यूज़र आईडी बना लेनी है, एक पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड फॉरगॉट करने के लिए अगर आप भूल जाते हैं तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस क्या था, पेट नेम क्या है, या फिर फर्स्ट फ़ोन नंबर क्या था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर आप यहाँ देंगे। इसके बाद आप यूज़र सेलेक्ट करेंगे कि आप कॉरपोरेट यूज़र हैं या इंडिविजुअल के लिए बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए। जैसे हम इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर आप अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस देंगे, यहाँ पर सिटी देंगे, पिन देंगे, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कैप्चा फिल करेंगे। नीचे कंसेंट एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नीचे और आएंगे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन लिंक को एक्टिवेट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट होने के बाद आपको बैक टू लॉगिन पेज पे आना है। यहाँ पर अब आपको वही अपनी यूज़र आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है जो कि आपने अभी क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और पेमेंट प्रोडक्ट पे स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट सेलेक्ट करनी है, साइन इन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, पे स्टाम्प ड्यूटी। अपना स्टाम्प निकालने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस स्टेट का स्टाम्प पेपर चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें छत्तीसगढ़ का चाहिए तो हमने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी का टाइप, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेबल स्टाम्प ड्यूटी है, नॉन रजिस्ट्रेबल स्टाम्प ड्यूटी है, वो आप पे करेंगे, जैसे हमने इसे पे किया। इसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको स्टाम्प पेपर चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें एफिडेविट के लिए चाहिए, हमने एफिडेविट सेलेक्ट किया, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी, जैसे परचेस्ड बाय, परचेसर मोबाइल नंबर, परचेसर ईमेल आईडी, और यहाँ पर आर्टिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि किस चीज़ के लिए लिया गया है, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपने डॉक्यूमेंट का देंगे और कितने रुपए का आपको स्टाम्प चाहिए वो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पार्टी का नेम देना है, यहाँ पर आपको सेकेंड पार्टी का नेम दे देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, तो यहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी किसके द्वारा पे की जा रही है, फर्स्ट पार्टी या सेकेंड पार्टी, वो देंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑफ पेड बाय पर्सन, तो कौन सा जेंडर है पर्सन, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट जो है वो आप फिल कर देंगे, जैसे ऊपर 100 रुपये है तो यहाँ पर 100 रुपये फिल करेंगे, 100 रुपीज़ यहाँ पर देखिए आ रहा है। इसके बाद नीचे पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि किसके माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, जैसे रेजर पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार का आता है, जहाँ आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाता है और पेमेंट मोड आ जाता है, कितना अमाउंट पे करना है वो आपका आ जाता है,
टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। आपके सामने पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे आप क्यूआर कोड, कार्ड और नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, हम क्यूआर कोड पे डालेंगे। यहाँ से आप क्यूआर कोड शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड शो होगा, इसे स्कैन करके आप 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट रिसिप्ट आता है। पेमेंट रिसिप्ट आने के बाद आपके सामने स्टाम्प पेपर जनरेट हो जाता है। स्टाम्प पेपर को आप अपने किसी भी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंट करके आप किसी भी कलर प्रिंटर से निकाल सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टाम्प होता है, इसे आपको कहीं भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डिजिटली वेरीफाइड होता है। इस प्रकार आप ऑनलाइन स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो में बताया कि आप स्टाम्प पेपर ऑनलाइन कैसे निकालेंगे किसी भी स्टेट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, और आपके मन में अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।